अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैंगो जूस से, जो कि सबका बहुत ही फेवरेट होता है मैंगो, और काफ़ी एरियाज में मिलना भी खत्म हो गया है। तो जी मुझे कल भी डीएम आया था जब मैंने स्टोरी लगाई ना इंस्टा पे, तो फिर सब कह रहे थे मैंगोज, तो हमारा दिल कर रहा था जब भी आप स्टोरी लगाती हैं ना। तो अब मैं बस ये लास्ट है मेरी वीडियो ना इस गर्मियों की मैंगो की, वाकई लास्ट है। इसके बाद कोई मैंगो की रेसिपी नहीं है, कोई जूस नहीं होगा, क्योंकि मैंगोज ही खत्म हो गए हमारे एरिया में भी ना। तो अब मैं भी आप लोगों की तरह बस वीडियोज ही देख सकती हूँ, खा पी नहीं सकती मैंगो को। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने कहा चलो सबको ठंडा ठंडा मैंगो जूस बना के पिलाया जाए, लास्ट मैंगोज है, क्योंकि जाते मौसम का फ्रूट अब नहीं खाना। तो इसलिए वैसे तो अभी भी है मार्केट में, लेकिन जो है ना अम्मा कहती हैं कि जो जाते मौसम का फ्रूट होता है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और मुझे सच एक कमेंट भी याद आया, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर, मैं सारे ब्लॉग्स देखती और कमेंट्स भी करती होती है, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आपने अपने व्लॉग का टाइटल जो होता है ना मैंगो का ही रखा करें, क्योंकि आप मैंगो से जो है ना व्लॉग में दिखाती रहती हैं। तो जी अब कोई मैंगो का व्लॉग नहीं आएगा। खैर जी यहाँ पे टाइम हो रहा था सुबह सुबह, आज मैं उठ गई, मेरी आँख खुल गई 7 बजे ना, तो मैंने कहा चलो जी आज उठ जाते, कोई नहीं क्या सोते ही रहते हैं, तो आज कुछ अलग होना चाहिए। तो जब मैं उठी ना तो मुझे याद आया पापा नाश्ता करते होते हैं ना, तो मैंने पापा से पूछा जाके, मैंने कहा पापा जी आपने आज क्या नाश्ते में खाना है ना, तो पापा कहते आज बेटा कुछ हल्का फुल्का सा, दिल नहीं ज़्यादा कर रहा कुछ, मतलब सालन वगैरह, क्योंकि पापा रात का जो सालन होता है तो वही सुबह नाश्ते में खाते होते हैं अम्मा पापा ना, मामा ही पापा का नाश्ता बनाती होती है, मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है ना व्लॉग में। तो आज मैं फर्स्ट टाइम पापा के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी और मम्मा की कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तो मम्मा ना सो रही थी। तो बस फिर यहाँ पर जो है ना नाश्ते में मैंने सादी रोटी बनाई, आज मैंने रोटी भी खुद ही बनाई सब कुछ, ऊपर देसी घी पापा को लगवा देती हूँ, पापा शौक से खाते हैं। उसके बाद ये दही जो है ना हमने घर में लगाया था, बहुत आला लगता है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ना दही लगाना भी सिखाऊंगी, गर्मियों में किस तरह अच्छा दही लगाया जा सकता है, बहुत अच्छा माशाल्लाह गाढ़ा लगता है ना। ऐसी दूध दही की कोई भी चीज़ देखे, कोई भी चीज़ देखे माशाल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। बस मैं यहाँ पे पापा को साथ में फ्राई अंडा, बस हल्का फुल्का पापा का नाश्ता है, तो मैं वो देने गई। उसके बाद मैंने कहा आज कुछ स्पेशल बनाना है, और टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो बस मैं उसके लिए जो है ना चिकन फ्रीज हुआ होता है ना, तो उसे डीप फ्रीज करने के लिए भिगो देते होते हैं पानी में, इससे क्या होता है ब्लड भी चिकन का निकल जाता है, और फिर ना चिकन भी बाद में साफ़ करने में आसानी हो जाती है। 15-20 मिनट नॉर्मल पानी में पड़ा रहे ना चिकन तो इजीली खुल जाता है। फिर उतनी देर तक मैंने कहा चलो बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं, मैंने ना भाई से अपनी कुछ बुक्स मंगवाई थी, भाई कहता सेकंड हैंड मिल रही है, तो मैंने कहा जो भी है ले आओ, नहीं बस हो साफ़ सुथरी हो थोड़ी ना, तो सेकंड हैंड भी सही मिली और ये भी कोई सस्ती नहीं है, 500 की तो एक किताब मिल रही है, इस तरह ही तो महंगाई हुई है इतनी ज़्यादा। इस तरह फिर बुक्स मंगवाई मैंने अपनी, क्योंकि अभी तो मेरी क्लासेस स्टार्ट नहीं है, मैं कॉलेज गई हूँ थोड़े दिन, लेकिन उसके बाद छुट्टियाँ हो गई हैं, अब देखे फिर कब कॉलेज वाले बुलाते हैं ना, मैंने सच बताया ही नहीं मुझे अभी छुट्टियाँ, इसलिए मैं इतनी वेली हूँ, डेली व्लॉग लगा रही हूँ, वरना मैं एक दिन छोड़ के लगाती होती थी जब कॉलेज जाती हूँ ना। तो अब देखे कब रेगुलर हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है, पहले सिर्फ कोचिंग क्लासेस हो रही थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मा ना कुछ बाउल लाई थी, ये हर घर का मसला है मेरे ख्याल से ना, जब किसी को कुछ भेजना होता है ना तो बाउल नहीं वापस आते, तो फिर मम्मा कहती कुछ इस तरह के ना डब्बे ले आती हूँ, क्योंकि हमारे ना काफ़ी शीशे के बाउल, अच्छे अच्छे चीनी के बाउल भी वापस नहीं आते जब इर्द गिर्द के घरों में चले जाए ना, फिर इसलिए मम्मा ना अब ये वाले डब्बे लेके आई हैं। तो जी खैर यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी, जो कल मैंने व्लॉग लगाया ना आप सबने इतना पसंद किया, आप सबका बहुत शुक्रिया, और चैनल पे जब आप नए आते हैं सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आप सबकी तरफ से प्यार होता है, और वीडियो को भी लाइक किया करें, वीडियो को जब आप लाइक नहीं ना करते फिर मुझे बड़ा ही अफसोस होता है, इतनी मेहनत से वीडियोज़ लगाती हूँ, लाइक करने से बस मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे खुशी मिलती है, और कमेंट्स भी किया करें। और यहाँ पे जी मैंने मम्मा को लहसुन थमा दिया था, मैंने कहा मम्मा जी आप लहसुन छीलने बैठ के, मम्मा मुझे कहती है मुझे सब्ज़ी दे दिया करो, मैं वो छील दिया करूँगी और बाकी जो है ना तुम कर लिया करो किचन में, तो इस तरह मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है ना। और उसके बाद यहाँ पे पापा लाए थे कुछ अंगूर, और इसको हमारे घर में मुनक्के भी कहा जाता है, तो आप लोग क्या इसे कहते हैं अंगूर को, हम वैसे मुनक्के कहते हैं, जो इसमें होते हैं ना बीज, इन वाले अंगूरों को मुनक्के भी कहा जाता है, वैसे ये ज़्यादातर ना मैरून से कलर के होते हैं, रेड से ना, तो लेकिन आजकल इस तरह के भी आ रहे हैं ग्रीन ग्रीनिश से ना, तो ये भी अच्छे लगते हैं, काफ़ी मीठे थे, मज़ा आया, पापा जब भी जाते हैं ना ऐसा कोई फ्रूट ले आते होते हैं। तो बस मैंने कहा धो के पापा मम्मा को दे आऊँ, और उसके बाद जी मैं आ गई थी चिकन की तरफ, आज मैं आप लोगों को मैंने सोचा चिकन धोने का भी थोड़ा सा तरीका बताती हूँ, वैसे काफ़ी लोगों को आता है लेकिन अक्सर मैं वीडियोज़
देखती हूँ ना स्नैक पे या टिकटॉक वगैरह पे, तो वो चिकन सही से साफ नहीं होता, उस पर चर्बी वगैरह खून ऐसी होता है, तो ना देख के दिल खराब होता है ना। तो मैंने कहा आज थोड़ी सी ना इस बारे में भी वीडियो में बताऊँ कि चिकन काफ़ी लोग वैसे करते हैं, मैं सबको नहीं कह रही लेकिन मैंने कहा कि करना चाहिए इस वीडियो में ना। अच्छा जब आप चिकन को भिगोते हैं ना तो उसका जो ब्लड होता है वो सारा पानी में आ जाता है, और फिर आपको ना आसानी हो जाती है, उसको इतना मलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर साफ पानी से आपको उसको धोना चाहिए अच्छे से ना। फिर उसके बाद एक एक चिकन को लेके उसके ऊपर से जो चर्बी होती है ना ये उतारा करें, और उसके बाद अंदर से भी अच्छे से सफाई किया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको कलमा पढ़ के साफ किया करें, और फिर ये बड़े अच्छे से साफ हो जाता है। 20-15 मिनट तो लग ही जाते हैं, लेकिन आपको जब साफ अच्छे से करेंगे तो फिर जाहिर बात है रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। चिकन जी साफ हो गया है, अब चाहे तो आप फ्रिज में रखें, लेकिन मैंने ऑलरेडी फ्रीज चिकन लिया था इसलिए मैंने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि ये ना बहुत सॉफ्ट बनता है जो फ्रीज चिकन होता है ना। अब यहाँ पे ना अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं बनानी, खाली लहसुन की पेस्ट बनानी है। तकरीबन 25 के मैंने लहसुन के जवे लिए थे, बड़े बड़े थे ना, देसी लहसुन नहीं है, जो फार्मी होता है ना वो है, देसी लहसुन है तो ज्यादा फिर लीजिएगा जवे, ठीक है जी, क्योंकि वो छोटू छोटू था होता है। तो खाली लहसुन को मैंने बस कुंडी डंडे में ना पीस लिया, इसको ना आपने कुंडी डंडे में या हवन दस्ते में पीसना है, और इसके अंदर एक गिलास पानी डाल के ना इसको रख देना साइड पे। ये दो चीजें हमारी तैयार हो गई हैं। अब जी आते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जिसके लिए मैंने लिए हैं दो प्याज, एक देखने के बड़ा प्याज है और एक है थोड़ा दरमियाना छोटा सा ना। तो तकरीबन आप हिसाब लगा लें आपने दो दरमियाने प्याज लेने हैं, और इसको रफली कट कर लेना है, और कोशिश करें जरा ना छोटे क्यूबों में कट करें, क्यूबों में नहीं क्यूब्स में, ताकि आपको आसानी हो जाए इसको बाद में मिक्स करने में ना। और मैंने इतना ज्यादा भी बारीक नहीं किया, इतना मोटा भी नहीं रखा, और 3-4 हरी मिर्चें ली थी उसको कट कर लिया था, और ऑयल एक कप में डाल दिया, और ये ना मैंने कढ़ाई को मसाला मंगवाया था आंटी से, वाइट कढ़ाई ना, ये मैंने ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन इसमें बाकी मसाले घर के ही जाते हैं, पर मैंने मंगवाया ये इसलिए था कि इससे ज़रा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन आंटी कोरमा मसाला ले आई, मैंने कहा चलो अब जो आया उससे गुजारा करेंगे। खैर अब मैंने लोहे की अपनी प्याई सी कढ़ाई ली है, आप नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं, या सिल्वर की कढ़ाई है तो बेस्ट रहेगा। अच्छा अब जो मैंने सारे इंग्रीडियंट्स बताए ना पहले आपको तैयार करके, वो मैंने इसमें डाली है, प्याज हरी मिर्च अदरक सॉरी लहसुन की पेस्ट, और वो जो पानी उसमें डाला था वो, और चिकन और हरी मिर्चें, और अब इसमें सिर्फ जाएगा एक चम्मच नमक। और यहाँ पे मेरा भाई आ गया था, कहता तुम क्या चमचा हिला रही हो, बड़ा आया, मैंने कहा चलो ठीक है तुम हिला के दिखा दो चमचा, उससे इतना भी नहीं हिला ऐसे ही कह रहा था, मैं करता हूँ, मैंने कहा रहने दो भाई मेरी वीडियो पहली बड़ी लंबी हो रही है, मुझे कम मुकाने दो, पहली बड़ी गर्मी है, तो फिर इसी तरह वैसे ही बस तंग करता होता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी, इसको ढक्कन लगा दिया, फिर मैंने आ गई नहीं वहीं थी, ढक्कन इसको लगा दिया ताकि जो है ना थोड़ा सा चिकन कलर चेंज कर ले, तेज़ आँच पर मैंने इसको पकाया 5 मिनट के लिए ना। 5 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो जाता है, चिकन कलर वाइट कर लेता है और ये ना पानी छोड़ देता है। अब ढक्कन देके इसको पकने दे तकरीबन 20 मिनट दरमियानी आंच पे, ताकि जो है ना चिकन गल जाए और बाकी चीज़ें भी नरम हो जाए। अब हम बनाएंगे स्पेशल सा मसाला, जिसके लिए मैंने आधा टेबल स्पून यानी आधा खाने का चम्मच लिया है जीरा, 1.5 खाने का चम्मच 1.5 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया लिया है। अब इसको अच्छे से पीस लेना है। सारे इंग्रीडियंट्स ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ताकि आपको मुश्किल ना हो, आपको आसानी रहे, सारे इंग्रीडियंट्स नोट करें और बना लें। और बस आधा टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई जाएगी, और ज़्यादा काली मिर्च नहीं डालनी, ज़्यादा सफ़ेद मिर्च इसके अंदर जाएगी ना, सफ़ेद मिर्च इसके अंदर तकरीबन जाती है 1.5 टीस्पून ना, 1.5 चाय का चम्मच, इसी में ये मेन इंग्रेडिएंट होता है जिससे जो है ना कढ़ाई का कलर नहीं चेंज होता। अगर आप ब्लैक काली मिर्च ज़्यादा डाल देंगे, ब्लैक ही होती है, तो वो फिर ना कलर इसका डार्क कर देगी और कढ़ाई का कलर नहीं अच्छा आएगा। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने खोपड़ा डाला है, खोपड़ा नहीं होता दरदरा सा नारियल वो, और जो है ना इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून मैंने वो जो कोरमा मसाला मंगवाया था, वाइट कोरमा मसाला ना, आप वाइट कढ़ाई मसाला डालिएगा, मैंने कहा सेम ही होता है तकरीबन, तो मैंने बस 1 टीस्पून डाला, ज़्यादा नहीं डाला। अब जो है ना उस मसाले को पीस के मैंने साइड पे कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने जो है ना कढ़ाई का ढक्कन हटाया है। अब इस पॉइंट पे प्याज वगैरह सब कुछ नरम हो जाते हैं। अब आपने फ्लेम को कर देना है हाई, और इसकी इतनी चंगी तरह बुनाई करनी है कि सब चीज़ें ना मिक्स हो जाएँ, प्याज वगैरह ना, और चिकन इस वक्त गला होता है तो ज़रा एहतियात से आपने मिक्स करना है। तकरीबन 90% चिकन ना डन होता है। अब इसमें ऑयल डाल देंगे, थोड़ा मुझे कम लग रहा था, मैंने ऑयल भी डाल के इसकी बुनाई कर ली। जब बहुत अच्छे से बुनाई हो जाए फिर आपने इसमें डालना है 1/2 कप दही, और उस पर जो मसाला हमने बनाया था ना वो मैंने ऊपर ही डाल दिया था, क्योंकि मैंने कोई होर बोल मिल नहीं रहा सी तो फिर इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है मसालों के साथ, ताकि खुशबू बहुत अच्छी आने लगे। बस जी एंड में हम पा देनी है क्रीम, क्रीमी चिकन कढ़ाई बना रहे तो क्रीम तो पहनी है,
तो ये मैंने ओलपर्स की क्रीम ली है, पूरा पैकेट ही मैंने डाल लिया, तकरीबन 200 ml क्रीम का होता है ये टेट्रा पैक, कोई भी यूज़ कर लें। क्रीम के साथ ना थोड़ा सा पानी का छींटा, मतलब कि एक चौथाई कप ना इसमें पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने से ना क्रीम फौरन जलती नहीं है और बहुत अच्छी ग्रेवी भी बन जाती है और खाने में भी मज़ा आता है। अगर खुश खुश होगा ना, मेरी फैमिली पसंद नहीं करती, इसलिए जो है ना मैंने बस क्रीम के साथ थोड़ा सा पानी डाला था। और ये बहुत अच्छी टिप उनके लिए जिनसे कढ़ाई में जब क्रीम डालो ख़राब हो जाती है, तो पानी साथ डाल लिया करें थोड़ा ना। और इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से इसको पकाना है, ऑयल इसमें ज़्यादा कढ़ाई में जाता है इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। खैर, इस पॉइंट पर नमक मिर्च पूरी कर लीजिएगा, मुझे नमक बिल्कुल ठीक लगा था, मिर्च कम लगी थी तो मैंने थोड़ी सी दरा मिर्च डाली, यानी कि चिली फ्लेक्स, दादर मिर्च, और साथ में मैंने सफ़ेद मिर्च थोड़ी और डाली थी ना। नमक आपने एक चम्मच ही डालना है, बाद में पूरा कर लीजिएगा। और एंड पे मैंने पूरा अच्छे से भुन के ना हरी मिर्च और गार्निशिंग वगैरह जो भी आपको पसंद है वो करके फिर इसमें थोड़ा पानी डाला है, क्योंकि ये खुश्क होने लग जाती है ना क्रीम तेज़ आँच पर जब आप बुनाई करते हैं। तो मेरे घर वालों को ना खुश्क कढ़ाई पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी ग्रेवी सी रखी है थोड़ी थोड़ी ना, हालाँकि मुझे बहुत पसंद है, खुश्क होनी चाहिए, कढ़ाई का मज़ा ही ऐसे आता है। लेकिन क्या करें जी, बस जो पसंद घर वालों, क्योंकि उसके साथ चलना पड़ता है ना। तो फिर बस मैंने ऊपर ना, मुझे खाली खाली लुक लग रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा धनिया से इसको गार्निश करते हैं, और बस मैंने इसको अब ढक्कन दे दिया। माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई रेडी है, एंड पे मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगी एंड पे ना। और साथ ही साथ मम्मा के टींडे पक रहे हैं, क्योंकि मेरे मम्मा पापा को ना वाइट कढ़ाई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेते हैं, लेकिन साथ में ना फिर मम्मा उस दिन कोई सब्ज़ी बना लेती है। अभी मैं 2 महीने से मम्मा के तरले एक मिनते कर रही थी, अम्मा मुझे बनाने दे वाइट कढ़ाई, मम्मा नहीं मुझे वाइट चीज़ें ज़्यादा मतलब ऐसी बनाने देती ना, क्रीमी चीज़ें मम्मा को पसंद नहीं है। खैर, फिर मैंने फाइनली आज बना ही ली और रेसिपी भी रिकॉर्ड कर ली, मुझे बहुत पसंद है ऐसी, और मेरे भाई को बहन को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब आजकल के बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद है, जो होते हैं ना बड़े उन्हें ज़्यादा नहीं इतनी चीज़ें ऐसी पसंद आती, खा लेते हैं लेकिन शौक से वो देसी खाने ही खाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो मैंने खाना लगाया तो लाइट चली गई ना, गुस्सा आया ना, फिर हम यहाँ पर ना आज अपने गैरेज में हमने चादर बिछाई और बड़ा अच्छा माहौल बना के कढ़ाई मैंने रखी, जैसे रेस्टोरेंट वाला माहौल होता है ना, और साथ में बाजार की रोटी मंगवाई थी। तो इस तरह करके ना जो फिर मैंने ना खाना सर्व किया, कढ़ाई को ना मैंने फिर से गर्म किया था, क्योंकि रात हो गई थी, लेट हो जाता है अक्सर, हम इंतज़ार करते रहे ना पापा जब बाहर जाते हैं तो वो फिर ना बहुत ही लेट हो जाता है, हमारा होता है कि हम पापा के साथ इकट्ठे मिलके खाएं, क्योंकि कितने दिन पापा यहाँ है ना उतने दिन हम इकट्ठे खाएं तो ज़्यादा सही रहते ना, मज़ा आता है, और वैसे भी इस तरह खाने से बरकत भी होती है। साथ में आप लोग सोच रहे होंगे दही कौन खाता है वाइट कढ़ाई के, हमारा हम खाते हैं, मुझे पसंद है, हम लोग दही बहुत शौक से खाते हैं खाने के साथ ना, और साथ में स्प्राइट ना हो क्योंकि क्रीमी चिकन हो और साथ में कोल्ड ड्रिंक ना हो तो फिर हैवी हैवी बहुत हो जाता है, तो इसलिए जो है ना ज़रूर मस्ट होती है। तो मेरी फैमिली को तो ये बहुत पसंद है, मेरी बेस्ट रेसिपीज़ में से ये बहुत बेस्ट रेसिपी है कढ़ाई की, जो कि मैंने आपको सिखाई है और बहुत आसानी से सिखाई है, बहुत एक्सप्लेन करके सिखाई है, तो ट्राई मस्ट है और आपने ट्राई ज़रूर करनी है, मुझे कमेंट करके बताना है कैसी बनी, फीडबैक भी दिया करें। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं ना, मुझे या तो पिक्चर इंस्टा पर भेज दें, अगर इंस्टाग्राम आपके पास नहीं है तो आप लोग मुझे जो है ना कमेंट करके आके वीडियो पर बताएं, ताकि मुझे पता चले मेरी ऑडियंस जो मेरी रेसिपीज़ बनाती है कैसा रिजल्ट मिलता है उन्हें ना, मुझे बड़ी खुशी होगी। उसके बाद मैंने बर्तन चर्तन धोए, लाइट अभी तक नहीं आई, 2 घंटे की लाइट जब जाती है ना तो इंतज़ार की घड़ियाँ ही नहीं ख़त्म होती। फिर यहाँ पे जो है ना मैं अपना बैग तैयार कर रही थी, वो जो भाई कल बिस्किट्स वगैरह लगाया था, मैंने कहा चलो ये बैग में रख लेती हूँ, और चार्जिंग भी मोबाइल की मुक रही थी, मेरा चार्जर भी फिर मैंने रखा। बस जी मैं यहाँ पे लॉक वगैरह कर रही थी, पहले मेरी बहन ने जो होती थी ना बड़ी वो करती होती थी ये काम, अब मेरी जिम्मेदारी है तो चाबी वगैरह सारा कुछ का काम ना। तो फिर इसके बाद जो है ना हम निकल गए थे दादी मी की तरफ घर उनके जाने के लिए, क्योंकि मामा को जो है ना चेकअप वगैरह कराना होता है यहाँ पे, अजीज़ फातिमा है ना फैसलाबाद में हॉस्पिटल, वहाँ पे बीपी का मामा को जो है ना चेक कराना होता है हर महीने ना, तो बस वहाँ से मेडिसिन लेनी थी। और आज हम रिक्शे में जा रहे हैं क्योंकि हमारी ना गाड़ी सही होने के लिए दी हुई है, उसका कुछ काम था, तो बस आते ही हम वहाब साहब से हम मिले हैं, और यहाँ पे मैंने आते ही जो है ना चार्जर लगाया, फूफो लोगों की तरफ भी लाइट गई हुई थी, लेकिन यहाँ पे ना UPS है, हमारा UPS की बैटरीज ख़राब हुई हुई हैं, बल्कि लेने वाली हुई हुई हैं, तो वो अब लेंगे इंशाल्लाह। तो फिर फूफो ने भी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा ली, कोल्ड ड्रिंक तो जब मर्जी पियो, गर्मी बड़ी है ठंड मिल जाती है पी के, तो ये हमारी सबकी बड़ी फेवरेट है, कुछ लोग मैंने सुना नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक, लेकिन हम लोग बड़े शौक से पीते हैं। और इसके बाद जी चॉकलेट मैं लेके आई थी, मैंने तो कहा चलो सबके साथ शेयर करती हूँ, इसी तरह बस जो है ना हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, क्योंकि हम लोग ना घर रुके थे दादी मी की तरफ, और इसके करीब ही हॉस्पिटल है, तो मामा वो चेकअप कराने चली गई थी भाई के साथ, तो फिर जब वो वापस आई है ना 2 घंटे तो उन्हें लग गए, थोड़ी देर नहीं हम काफ़ी देर बैठ गए, फिर उसके बाद वो आए, फिर हम उनके साथ बैठे रहे 3-4 घंटे बैठे रहे, तो रात हो गई थी काफ़ी, और आते वक्त हम ना चाचू के रिक्शे में आया, इसलिए जो है ना मैं बड़ी कंफर्टेबल होकर वीडियो बना रही हूँ, मैंने काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली आते हुए ना, क्योंकि अपना ही था। तो उसके बाद जो है ना फिर आए चाचू, मैंने कहा चाचू जी आज जो है ना मैंने बड़ी आला सी कढ़ाई बनाई है, तो आए आप, मैं आपको खाना खिलाती हूँ, तो कहते चलो ठीक है भूख भी लगी हुई है, तो
फिर मैंने जो है ना उनके लिए कढ़ाई गर्म की और मम्मा ने ज़रदा बनाया था, चावल नहीं होते, ये मैंने रेसिपी सिखाई हुई है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। और फिर बस मैंने चाचू को खाना दिया और चाचू ने बहुत तारीफ़ की, उन्हें माशाल्लाह बहुत पसंद आए, वो एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाते, माशाल्लाह 2 रोटियाँ खा गए हैं और बहुत सबको पसंद आया। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पर नहीं आए तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़ जी, खुश रहें।